हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबका इस हफ्ते का क्विज अच्छा गया होगा। तो आइए रिवाइज करते हैं उन सभी सवालों को। पहला प्रश्न था, एक लूडो के पासे और माचिस के डिब्बे के लिए कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ लूडो डाइस एंड अ मैच बॉक्स? और हमारे चार ऑप्शंस थे, इन दोनों के पलकों की संख्या समान है, द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ दीज टू इज सेम। दूसरी ऑप्शन, इन दोनों के किनारों की संख्या समान है, दीज टू हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस। तीसरा ऑप्शन, इन दोनों के शीर्षों की संख्या समान है, दीज टू हैव द सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स। और चौथा ऑप्शन था, उपरोक्त सभी कथन सही हैं, ऑल अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हम इसमें बात कर रहे हैं एक लूडो के पासे और माचिस के डिब्बे की। जैसा कि हम जानते हैं, एक लूडो का पासा जो है घन आकार का होता है और एक माचिस का डिब्बा कुछ इस तरह का घनाभ आकार का होता है। और अपने पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि लूडो के पासे में 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं, और घनाभ आकार में भी 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। तो उस हिसाब से ये सभी स्टेटमेंट्स, पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी भी और तीसरी भी। तो हमारा सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो हमने मार्क कर दिया उपरोक्त सभी कथन सही हैं को। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन 2 है, राकेश के पास एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है, इसके कितने किनारे होते हैं? राकेश हैज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, हाउ मेनी एजेस डज इट हैव? ऑप्शन से है हमारे 8, 3, 9 या 5। त्रिभुजाकार प्रिज्म जो कि इस तरह का एक त्रिभुजाकार छड़ जैसा होता है, और किनारों की बात करें तो वो लाइनें जहाँ पे दो फलक आके ज्वाइन होते हैं, मिल रहे होते हैं। तो हम देखें तो इसमें 3 किनारे ये, 3 इस पार्श्व में और 3 इस पार्श्व में, टोटल 9 किनारे होते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा 9। तो हम मार्क कर देते हैं 9 को, ये हमने उत्तर मार्क किया। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नीना की घड़ी खराब होने पर उसमें से सेल बैटरी निकाल कर उसे देखती है, इसके कितने फलक होंगे? और चार ऑप्शंस हैं, 5, 3, 2 या 1। तो सेल कुछ इस तरह से होता है, और ये कैसा है, बेलनाकार है, और बेलनाकार में हमें पता है कि 3 फलक होते हैं, एक ये वक्र फलक और 2 ये वृत्ताकार ऊपर और नीचे के फलक। तो हमारा सही उत्तर होगा 3, हमने मार्क कर दिया 3। और अब देखते हैं अगले सवाल को, और हमारा क्वेश्चन 4 है, निम्न में से कौन से विकल्प में इस एक ऐसे आकार का नाम लिखा है जिसका कोई किनारा नहीं हो? Which of the following options has the name of the shape that has no edges? और हम सब जानते हैं कि किनारे वहाँ बनते हैं या दो से अधिक फलक आके मिलते हैं, और एक ऐसी शेप जिसमें एक से अधिक फलक ही नहीं होता वो कौन सी होती है? आप सब जानते हैं, गोला। गोले में केवल एक ही फलक होता है, तो इसमें कोई भी किनारा नहीं होता, अतः हमारा सही उत्तर है गोला। क्वेश्चन 5 है, कक्षा 8 की अध्यापिका ने छात्रों को 2 ऐसे आकारों के नाम लिखने के लिए कहा जिनके शीर्ष नहीं होते, नीचे 4 छात्रों के उत्तर लिखे हैं, किसका उत्तर सही है? द टीचर ऑफ क्लास 8 आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट द नेम ऑफ 2 शेप्स विच डू नॉट हैव वर्टेक्स। आंसर्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स आर रिटन बिलो, हूज आंसर इज करेक्ट? हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, राहुल का आंसर था घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अभिजोत का आंसर था घन और बेलन, क्यूब एंड सिलेंडर। अनीता का आंसर था शंकु और वर्ग पिरामिड, कॉन एंड स्क्वायर पिरामिड। नेहा ने आंसर किया बेलन और गोला, सिलेंडर एंड स्फीयर। तो हमें ऐसी 2 शेप्स ढूंढनी है जिनके शीर्ष यानी कोने नहीं होते, और घन और घनाभ में हम जैसा कि जानते हैं
आठ आठ कोने होते हैं। अभिजोत का आंसर घन और बेलन। अगेन घन में आठ कोने होते हैं। हाँ, बेलन में कोई कोना नहीं होता, पर एक आंसर रॉन्ग हो गया, तो ये सही नहीं है। अगला अनीता का आंसर शंकु और वर्ग पिरामिड। शंकु की बात करें तो शंकु में एक कोना होता है और वर्ग पिरामिड में भी पांच कोने होते हैं, तो ये भी उत्तर गलत है। बात करें नेहा की, जिसे आंसर दिया बेलन और गोला, सिलेंडर एंड स्फीयर, तो बेलन में कोई कोना यानी शीर्ष नहीं होता और स्फीयर में भी कोई कोना शीर्ष नहीं होता, तो सही उत्तर है नेहा का उत्तर बेलन और गोला। इसको हमने मार्क कर दिया और इसी के साथ हमारी क्विज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप सबको सही उत्तर समझ आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस एक बार फिर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।